खाना यार आ रहा जुम्मा जुम्मा मतलब दावा करते हैं बिल्कुल दिल्ली जैसा टेस्ट होगा, ऑयल तो है ही नहीं। फिर किसी पानी में तला गया पता नहीं, एयर फ्रायर में तो नहीं चल रहा। ओ, भाई अंदर से डोरेमोन निकला है और तुझे देखा तो ये जाना सनम छोले भटूरे प्यार हमारा सनम। कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, खाने कौन से है यार, भटूरा है कि भटूरी? मिनी मिनी भटूरा, मुझे तो भटूरी लग रही है। आलू का क्या काम बन रहे हैं, पर्सनल फेवरेट बन जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है इसको। आज है संडे और संडे यार पंजाबियों के लिए तो छोले भटूरे वाला दिन होता है। छोले भटूरे और छोले भटूरे खाने के लिए हम फिर आपके लिए लेके आ गए हैं आपके सजेस्ट किए हुए बेस्ट 5। तो हम आपको दिखाएंगे लुधियाना के बेस्ट रेकमेंडेड छोले भटूरे और आपकी रिकमेंडेशन का स्वाद लेंगे। चलो चलते हैं। हेलो लुधियाना, फिर आ गए यार हमारे पहले छोले भटूरे आज के सीरीज के। तो आज हम आए हैं न्यू दिल्ली रियासत। भाई साहब जहाँ मर्जी सोशल मीडिया पे देख लो, न्यू दिल्ली रियासत हो रही है, बहुत जबरदस्त हाइप है। आज चेक करते हैं भाई छोले भटूरे कितनी सच्चाई है इस पे, आज देखते हैं और आपको भी पहुंचाते हैं स्वाद। हमने लिया है सिंगल भटूरा, वैसे आते हैं प्लेट में दो। भाई साहब 100 रुपए में प्लेट आती है जिसमें दो भटूरे होते हैं, पर आज हमने बहुत सारे ट्राई करने हैं तो हमने लिया सिंगल। सिंगल मिलता है 60 रुपीज का और साथ में मिलती है चटनी गाजर प्याज, उस पे आती भाई शानदार वाले छोले। और भाई ये छोले की तारीफ तो बहुत लोग कर रहे हैं और साथ में आगे तड़के वाले आलू, और अब करते हैं यार इसका स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और मारते हैं मजे। प्लेट जहाँ से आई है न्यू दिल्ली रियासत, दावा करते हैं बिल्कुल दिल्ली जैसा टेस्ट होगा, अब होने वाला है कि नहीं ये हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा है और आप देखो बोट साइज वाला बड़े साइज का भटूरा है और ऑयल बिल्कुल नहीं फील हो रहा, मजा आ रहा है भाई देख के, खुशबू दिल ललचा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करते और जरा इसको खोल के देख रहा है इसके अंदर है कुछ। खोल के इन लोगों ने डाल रखी है स्टफिंग, अंदर पनीर वगैरह लगा है साथ में धनिया लगा है यार मजेदार। अब टेस्टिंग की बारी आ गई है भाई, मैं तो अपनी बनाता हूँ बाइट छोलों के साथ। आ जाओ यार शानदार छोले, ओहो बाइट पूरी बना लेते हैं साथ में, इसके ऊपर रख लेते हैं यार चटनी वाला प्याज, ओहो मजेदार। शुरुआत इतनी बढ़िया हो गई है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगे, आपको कैसे लगे? भाई किनिया तरीफा चाहिदिया तैनू, इसकी जितनी तारीफ कर लो यार उतनी कम है। आप लोगों का रिकमेंडेशन यार वाकई मानना पड़ेगा, लुधियाना वाले जिसको रिकमेंड कर देते हैं ना वो वाकई ही बहुत ही शानदार है। भाई सोशल मीडिया के ऊपर ना धमाके पड़े हुए हैं भाई, भूचाल मचा दिया है लोगों ने। न्यू दिल्ली रियासत सारा ही सामान इनका जबरदस्त होता है और भाई साहब लुधियाना वाले जो बोलते हैं बिल्कुल सच है, स्वाद के बादशाह हैं और नजारेदार हैं और मेरे तो बन रहे हैं पर्सनल फेवरेट बन जा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसको करते हैं हम खत्म। लोकेशन अगर आपको न्यू दिल्ली रियासत ट्राई करना है तो आपको आना है सग्गू चौक पे, रोज गार्डन वाली रोड है, ब्लू कलर का आपको न्यू दिल्ली रियासत का बोर्ड दिख जाएगा, आगे जरूर ट्राई करो। चलते हैं अगली लोकेशन पर, चलें। चलो दूसरी जगह आ गए हम यार सीताराम पे। सीताराम के भटूरे चेक करो भाई साहब, क्या बड़े बड़े भटूरे साथ में शानदार आलू, कचुम्बर वाला यार प्याज है इसमें, लच्छा प्याज कचुम्बर वाला मिला है भाई। और छोले भाई साहब क्या शानदार, ओहो क्या बढ़िया लग रहे, शाइन मार रहे हैं। और जो भटूरे हैं दो आते हैं 130 रुपीज में, सिंगल नहीं मिलता। हाँ सिंगल प्लेट नहीं मिलती है, दो खाने पड़ेंगे भाई आपके लिए हो जाए। और भटूरे के तो यार हम ऐसे शौकीन है ना, दीवाने पूरे दीवाने आ जाएंगे। कोई बात नहीं ट्राई करते हैं, खोल के दिखाना है यार क्या इसमें, खोल के दिखाना है। एक तो साइज सबसे पहले तो बहुत ही बड़ा है, खोल के चेक कर लो। धनिया और थोड़ी पिट्ठी लगी है पनीर के साथ और मजेदार लग रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। और ऊपर भी देखो धनिया कसूरी मेथी ऊपर भी नजर आ रही है भाई, अब ट्राई करने का तो बनता है भाई, आओ जाओ शुरू। ये देखो जी पहले तो छोले क्या बढ़िया लग रहे हैं और इसमें जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना भाई बहुत बढ़िया। और इसके ऊपर हम रखते हैं लच्छे वाला प्याज और बनाते हैं बढ़िया बाइट। मजेदार है बहुत है। ओए ओए मेरे को लग रहा है यार पहले मैंने यहाँ पे आके क्यों नहीं खाया यार, थैंक यू यार आप लोगों ने रिकमेंड किया और हम तो दौड़े चले आए यार छोले भटूरे। मतलब यार ऐसा स्वाद, मैंने लुधियाना के इतने सारे छोले भटूरे खा लिए, ये ऐसा स्वाद पहली बार खाया मैंने, मजा आ गया बहुत ज्यादा। ट्राई करते हैं बाइट, देखो हमारी तैयार है यार। प्याज सिरके वाला यार लच्छे कचुम्बर वाला प्याज होता है ना जो, आहा मिर्ची लगा के, और ये प्याज ने बढ़िया टेस्ट डाला है यार, इतना बढ़िया टेस्ट डाला है। कैसे लगे आपको? बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया खा के। और क्या सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरा, ये तो वो है यार इसको देख के वो गाना याद आ रहा, झुम्मा झुम्मा मतलब जिसने बनाया उसका झुम्मा ले लूं यार, क्या शानदार बना। दूसरी चीज अब मेरे को पता लगा है सिंगल देते क्यों नहीं है, क्योंकि बंदा दो तो आराम से खा ही जाएगा। बहुत यार हल्के हैं, देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं
लेकिन बिल्कुल लाइट हैं, आपके पेट पे भारी नहीं पड़ेंगे यार, दो तो आप आराम से खा जाओगे। और आप अगर चेक कर रहे हो, ऑयल भी किसी तरह का कोई नजर नहीं आ रहा भटूरे के ऊपर। आलू चेक करो यार, क्या जबरदस्त मसाला लगा हुआ यार, ओहो राजस्थानी स्टाइल का मसाला। और भटूरे यहाँ पे यार आपको रोज मिलते हैं, और संडे को यहाँ पे पूड़ियाँ भी मिलती हैं। न्यूट्री कुलचा, पूड़ियाँ आपको खानी है, सब कुछ यहाँ पे मिलता है, आ जाता है। लेकिन हम आए यार भटूरे के शौकीन है, खाने आए थे भटूरे, और नजारा आ गया भाई। अगर आपको भी ये इतने बढ़िया छोले भटूरे ट्राई करने हैं, तो आपको आना है सीताराम पे, ई ब्लॉक की जो मार्केट है बीआरएस नगर वाली, वहाँ पे लुधियाना में। चले अगली डेस्टिनेशन पे। चलो आगे भाई साहब, छोले भटूरे खाने हम आगे यार सीताराम पे। सीताराम पे हाँ जी। और भाई साहब आप लोगों की रिकमेंडेशन देना, पता नहीं हमें गलती लगी क्या हुआ था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आपने दो दो सीताराम रणधीर सिंह ने लिख दिए, अब सीताराम रणधीर सिंह नगर पे भाई दो है, एक बड़ी सी दुकान है और एक छोटी सी दुकान, असली कौन सा आपने किसको रिकमेंड किया पता नहीं, लेकिन हम तो दोनों टेस्ट करने वाले हैं। तो ये रहा भाई भटूरा, सिंगल भटूरा हमें पड़ा 50 रुपए का, और अगर दो लेने हैं फुल प्लेट तो पड़ेगी 90 की। ओ भाई साहब क्या जबरदस्त भटूरा यार, सही चक्कर, अभी तक हमने जो खाए हैं वो बोट वाले थे, अब आया भाई गोल भटूरा, गोला। तो इसको एकदम से खोल देते हैं, देखते हैं भाई, ओए होए अंदर पनीर है, धनिया है लगा हुआ है भाई साहब, है थोड़ा थोड़ा लेकिन है जरूर। तो अब आगे टेस्टिंग की बारी, साथ में मिल रहा है गाजर का अचार, मिर्च का अचार, प्याज चटनी, आलू तड़के वाले और छोले। छोले यार ये इस पे लग रहा है कि छोले छोटे साइज के और थोड़े काले वाले हैं, बाकी टेस्ट करके पता लगेगा भाई। ओहो कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, खाने कौन से है यार। ये गाजर रख ली भाई, साथ में रख लिया, मैं तो बाइट कराऊंगा सेम। साथ में आ गया यार प्याज और अचार, और अब डालते हैं इसके ऊपर छोले। इतनी बड़ी बाइट, बिग बाइट, ये बन गई बिग बाइट जबरदस्त। मैंने तो टेस्ट कर लिए, आप बताओ आपको कैसे लगे, फिर मैं बताती हूँ। भाई अभी तो बहुत गर्म लग रहे हैं, हाँ खाता हूँ फिर बताता हूँ। क्या कहने हैं आपके। मैं पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप फुल प्लेट लेते हो तो फुल प्लेट में ये ना बड़ी सी बड़ी ऐसी ट्रे लगा के, सोने लगा के, बड़े बड़ी थाली टाइप फैंसी तरीके से देते हैं। आपने एक मांगा और ये छोटी सी प्लेट लग जानी है, ये भी फर्क है, ध्यान रखना। 50 में बेटा इतने में इतना ही मिलेगा। बाकी छोले भटूरे मेरे को ये ठीक लग रहे हैं, जैसे आमतौर पे सारी जगह मिल जाते हैं। आलू भी चेक कर लिए, मसालेदार बढ़िया है इनका अचार, बहुत बढ़िया यार। और सारी जगह ना आलू जरूर मिलते हैं, पर मुझे समझ नहीं आया छोले भटूरे में आलू का क्या काम, कोई काम कबाब में हड्डी टाइप। तो भाई इसको करते हैं फिनिश और चलते हैं। और अगर आपको ये वाले सीताराम के छोले भटूरे ट्राई करने हैं, आपको आना है सीताराम पे, अगर नगर वाली जो मार्केट है फिरोजपुर रोड पे लुधियाना में। तो भाई चले। ये तो हो गए खत्म, चलते हैं अगले वाली रिकमेंडेशन पे, लेट्स गो, मिलते हैं वहाँ पे। चलिए, और तुझे देखा तो ये जाना सनम, छोले भटूरे प्यार हमारा सनम, होए होए पापा बड़े मूड में आए। ओ भाई साहब छोले भटूरे देख के तो यार अपनी सरदारी जाग जाती है, होए 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 मुछता हो जाती है, तो छोले भटूरे खाण मते साड़ी हमेशा हाँ हो जाती है। और आगे भाई साहब साढ़े को केड़े भटूरे हैं, बनारस स्पेशल छोले भटूरे। बनारस में कहा, हम तो लुधियाना में है, तो मैंने बनारस स्पेशल ही बोला बाबा। हाँ जी हम आए जी बनारस दुगरी में, हमारे पीछे आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा, और इनके छोले भटूरों को भी आपने बहुत रिकमेंडेशन दिया भाई। डेकोरेशन देखो भाई, पहले तो मजा आ गया, प्लेट ही देख के भूख बढ़ गई। जगह जगह पे यार रिकमेंडेशन आ रही है, और हम आपकी रिकमेंडेशन पे ना आए हो नहीं सकता। तो फूड डॉक्टर्स कहाँ पहुँच गए हैं, बनारस दुगरी मार्केट में। और आगे हमारे छोले भटूरे क्या शानदार लग रहे हैं, ओह इससे पहले ठंडे हो जाए शुरू हो जाते हैं भाई, टूट पड़ते हैं इन पे। ये लो भाई भटूरा चेक करो, ये गोल भटूरा आया फूला फूला, अभी सुबह का पहला ही है ये फूला फूला जो हमें ऐसा मिला है। ये थोड़ा सा कम है पर ये बिल्कुल परफेक्ट है यार, खोल दे इसको भाई, खोल देते हैं भाई, अंदर से डोरेमोन निकला है, पोपट हो गया। अंदर कुछ नहीं है लेकिन भटूरा जबरदस्त है भाई। प्राइस रहेगा इसका 120 में, दो भटूरे, सिंगल भटूरे का ऑप्शन नहीं है, नील बटे सन्नाटा। और खाने के लिए आपको आना है बनारस लुधियाना डुगरी फेज 1 मार्केट में, और होय 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 क्या जबरदस्त है। देखो भाई इसके साथ मिला गया जी खीरा मिला, प्याज मिला, इसमें खीरे की एडिशन हो गई, चटनी डाली, और साथ में आ गया भाई चटपटा अचार। अभी तक हमें अचार मिल रहा था जो वो रोज डालते हैं वो वाला, फ्रेश वाला मिल रहा था, लेकिन ये डब्बा बंद वाला है भाई, टेस्ट करके देखते हैं। और हरी मिर्ची भी नहीं है इसमें, अचारी वाली बढ़िया बढ़िया खट्टी खट्टी जो होती है। ओहो भाई अच्छा, पहले तो यार इसमें देख लो ऑयल तो है ही नहीं, फिर किसे पानी में तला गया पता नहीं, एयर फ्रायर में तो नहीं चल रहा। तो भाई पहली बाइट मेरी तो होगी तैयार, चीयर्स करके खाते हैं। स्वाद देखें,
ये अलग सा फ्लेवर है। हमने अब तक जितने भी छोले भटूरे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सबके एक से बढ़कर एक फ्लेवर है यार। भाई डुगरी में इस एरिया में आप रहते हो ना, तो ये वाले छोले भटूरे आपके लिए मस्ट ट्राई। 120 रुपीस फुल प्लेट, हाफ यहाँ मिलता नहीं। और लाइट बड़े हैं यार, बिल्कुल खस्ता खस्ता भटूरे होते हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया वैसे हैं। जितने भी छोले भटूरे आज हम ट्राई कर रहे हैं, ये सब आपकी रिकमेंडेशन है, जो जो आपने हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करे हैं, जोमेटो की रेटिंग जिनको सबसे ज्यादा लुधियाने में, वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसमें हम सिर्फ 5 ही शामिल करेंगे और जो बाकी बच जाएंगे उसके लिए एक और वीडियो बना देंगे। हमने कहा जाना है छोले भटूरे भी लुधियाना में और हम भी यहीं पे है भाई साहब, इसीलिए बोल रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में एक्टिव रहा करो, जो आपको स्ट्रीट फूड वगैरह दिखता है उसका कमेंट हमें डाल दिया करो, क्योंकि आपके कमेंट्स को हम दिल पे नहीं लेते, दिल से लेते हैं भाई, मजा आ जाता है। क्या डायलॉग मारा यार। छोले भटूरे हो ना तो एनर्जी लेवल ही हाई हो जाता है। तो मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पे। आहा भाई, सुबह से भटूरे खाते खाते ना मैं तो खुद भटूरे जैसा हो गया हूँ, लेकिन दिल नहीं भरा, चौंक नहीं भरा। ओ भाई साहब, ये आगे हमारे पास भटूरा है कि भटूरी, आपको मिनी मिनी भटूरा देख के बताइए, मुझे तो भटूरी लग रही है। लेकिन हम आए हैं यार, लेजेंडरी प्लेस है लुधियाना का अरोड़ा छोले भटूरे, सब जानते हैं, सब ने यहाँ से खाया और आप लोगों की रिकमेंडेशन थी कि यहाँ से हम जरूर खाएं, तो आगे हम भटूरियाँ खाने। ये देखो भटूरे भाई, क्या शानदार हैं। और ये है भटूरे वाला स्टफ जिसको कहते हैं ना, ये स्पॉन्जी स्पॉन्जी जो आपको दिख रहा है, ये है असली भटूरा भाई। नाम भी बड़ा और दर्शन भी बड़े हैं, क्योंकि ये देखो ना स्टफ, ये भटूरे वाला स्टफ है ना, जो मजेदार यार। अच्छा देखने को मिला है अभी, तो आ जाओ टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले प्राइस पॉइंट बता देते हैं। हाँ जी, फुल प्लेट जो है वो पड़ेगी 90 की, दो भटूरे अगर इंक्लूड कर रहे हो, एक पड़ेगा 50 का, समान सेम रहता है। और पनीर, पनीर का टुकड़ा और सैलेड यहाँ पे आता है। अच्छा, ये देखो अचार का खुला है, अगर अचार किसी ने खाना तो यहाँ से ले सकते हो। अंदर बैठ के खाने का पूरा इंतजाम है, एयर कंडीशन, बाहर मजा बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मक्खियाँ परेशान कर रही है यार, बाहर थोड़ा दिक्कत है, लेकिन है मजा आ रहा है, तो टेस्ट करें। वाह, क्या सॉफ्ट भटूरा भाई, स्पॉन्जी स्पॉन्जी भटूरा, क्या मजा आ गया खाके। और छोले बड़े बढ़िया लगे मेरे को तो, जैसे वो चिकन वाले छोले होते हैं, बिल्कुल मिक्स हो रखे हैं, मलीदा हो रखे हैं, उस टाइप के छोले। ये देखो, ये तो मैंने अभी देखा है, मुझे लगता है इन लोगों ने चटनी इसके ऊपर डाल के दी है, चटनी डाली हुई है ग्रीन ग्रीन कलर की, बहुत मजेदार है यार। आज आप लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से हमने 5 अलग अलग जगह के भटूरे खाए, हमें तो बहुत मजा आया, मुझे न्यू दिल्ली रियासत बहुत अच्छा लगा, मुझे सीताराम के छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। सीताराम कौन सा वाला, बड़ी दुकान थी ना जो, वो वाला मेन मार्केट बीआरएस नगर वाला। और ये वाले जो छोले भटूरे हैं, ये यार मैं कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 साल से खाता हूँ, और सेम फ्लेवर है, भटूरे का साइज जरूर थोड़ा छोटा हो गया और रेट बढ़ गया, लेकिन फ्लेवर बहुत मजेदार, और बहुत ही प्यार करता हूँ इस भटूरे से। तो होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लो, और कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाओ, और बताओ हम और कौन सा स्ट्रीट फूड लुधियाना का ट्राई करें, हमें भी नई नई जगह रेकमेंड किया करो यार। इंस्टा पे, फेसबुक पे और स्नैपचैट पे फॉलो करना मस्ट है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रब रखा, चाओ।